hello students today we will do part d of lesson number 7 that is importance of water first question is name any two water bodies that exist on the surface of earth so answer is rivers and oceans you can also write here um, like you can write seas here you can write streams lake and pond these are the things you can also write in this question

एम्फीबियंस वॉट आर एम्फीबियंस एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं दोज हु कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्योंकि जो पानी में रहते थे उनको हम एक्वेटिक बोलते थे और जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियस एनिमल्स एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉग एंड स्निकेन क्वेश्चन नंबर फोर राइट नेम्स ऑफ फोर एक्टिक प्लांट्स कोई भी चार एक्टिक प्लांट्स के आपको नाम लिखने एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं तो लोटस हाइड्रीला वाटर हाइसेंथ लीली एंड इवन यू कैन राइट हेअर कैल्प्स यू कैन राइट हेअर डकवीड तो दैट मच यू कैन राइट हेयर देन क्वेश्चन नंबर फाइव इज हाओ डू प्लान्स एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉयल तो प्लांट्स एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू दियर रूट्स सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं प्लांट्स की और रूट्स जो हैं पानी को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और प्लांट्स के लीव्स तक वो पानी वहाँ पर पहुँचा देती हैं देन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज स्टेट टू कॉमन मैथर्ड्स ऑफ ग्रोइंग आउट ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर को निकालने के दो तरीके कौन से हैं तो हैंडपम्प ट्यूबवेल वेल एंड यू कैन ऑल्सो राइट य लाइक समर्सिबल पम्प्स जो हम लोग आजकल लगाते हैं घरों में तो दीज आर द थिंग्स यू कैन राइट इन क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ वी विल डू पार्ट ई पार्ट ई जो है लेसन नंबर सेवन का उसमें पहला क्वेश्चन है बिसाइड दिस डोमेस्टिक यूज़ यूजेट अदर थ्री यूज़ेस ऑफ वाटर पानी के तीन यूजेस कोई आपको जो घर डोमेस्टिक यूज़ जो है जैसे घर में हम अभी तक लिख थे वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड वाटर इज यूज फॉर वाटरिंग द प्लान एंड वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग तो वो वाले एग्जाम्पल्स नहीं लिखने डोमेस्टिक यूज़ नहीं लिखना है जो घरों में यूज़ हो रहा है पानी कैसे यूज़ हो रहा है वो नहीं लिखना है उससे अलग लिखने हैं तो आप लिख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट uh, लिख रहे हैं वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड आपको फूड डाइजेस्ट करने में वाटर हेल्प करता है इट हेल्प्स द प्लांट्स इन मेकिंग दे फूड जो प्लांट्स uh, जो हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स को क्या चाहिए होता है वाटर चाहिए होता है तो रूट्स so, जो हैं सॉइल से पानी को एब्सॉर्ब करती हैं और लीव्स तक पहुँचाती हैं और लीवस जो लीव्स में पानी जब होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर आती है और सनलाइट के प्रेजेंस में और लीव के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सबके प्रेजेंस में प्लांट इज एबल टू मेक इट्स फूड देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स को खेतों में पानी देने के लिए जो है वाटर यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी इससे तैयार होती है आप लोगों ने हमारे नियर बाय पौटा साहिब में आपने देखा है कुलहाल पर एक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थ्रू वहाँ पर एक नहर है और नहर के पानी को टर्बाइंस के ऊपर ऊंचाई से डालते हैं और टर्बाइन घूमते हैं एंड देर इज़ अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होते हैं न क्वेश्चन नंबर टू हाउ डज़ वॉटर हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटीरियल फ्रॉम एनिमल्स बॉडी सो जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं एनिमल बॉडीज़ हैं किसी की uh, कोई भी तो वाटर एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन मीन्स बाहर निकालना क्या वेस्ट मटीरियल बॉडी से जो वेस्ट मटीरियल बाहर निकलता है उसको उसमें वाटर कैसे हेल्प करता है तो दिस इज़ द आंसर द एनिमल बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल्स एनिमल हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है वेस्ट मटेरियल्स uh, जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं uh, जब फूड uh, आपका बॉडी में फूड uh, बर्न होता है और फूड डाइजेशन प्रोसेस चलता है तो वहाँ पर uh, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट होती है उसको बॉडी रिलीज़ करती है तो ये जो वेस्ट मटीरियल्स हैं दे गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट यूरिन जो पानी आपने देखा आपकी बॉडी में पसीना आपको आता है और आप यूरिन पास आउट करते हैं तो सारा वेस्ट आपकी बॉडी से पानी में घुल बॉडी से बाहर हो जाता है ओके देन क्वेश्चन नंबर थ्री लिस्ट एनी फोर वेज इन विच वॉटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स प्लांट्स के लिए पानी कैसे इम्पोर्टेंट है तो आपने उसके चार यूज बताने हैं कि प्लांट्स uh, पानी को कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं देन इम्पोर्टेंस ऑफ वॉटर फॉर प्लांट्स फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लांट रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिय फॉर दे प्रॉपर ग्रोथ प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ये न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिलते हैं सॉयल से मिलते हैं सॉइल में क्या होती हैं प्लांट्स की रूट्स होती हैं तो जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और उस वाटर में क्या मिले हुए होते, है? होते हैं मिनरल्स मिले हुए होते हैं सॉयल से और फिर वो जो है प्लांट को रूट्स uh, के थ्रू जो है वाटर मिलता है और न्यूट्रिएंट्स उसको सॉयल से सारे मिल जाते हैं देन uh, और विद द हेल्प ऑफ वाटर मिलते हैं देन प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स को अपना uh, जो है वाटर uh, की रिक्वायरमेंट होती है वाटर के बिना वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं देन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड जब आप कोई सीड लगाते हैं और आप उसमें पानी ना दें तो वो सीड वहाँ पर सिवलिंग में ग्रो नहीं होता है तो जर्मिनेशन के लिए सीड के पानी बहुत ज़रूरी है एंड वाटर इज़ अ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स पानी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमने फॉर एग्जाम्पल किए एक्वाटिक प्लांट्स के तो लाइक डक वीड हो गया लिली लोटस एंड वाटर हाइसन तो ये सारे जो हैं ये सब पानी के अंदर ग्रोथ करते ग्रो करते हैं तो हैबिटेट मतलब यहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं कहाँ वाटर के अंदर सो so, दीज दीज आर द फोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स देन क्वेश्चन नंबर फोर हाउ कैन ग्राउंड वाटर बी ड्रॉन आउट थ्रू ट्यूबवेल्स ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर को हम कैसे निकालते हैं तो ट्यूबवेल्स के लिए क्या होता है बेटा ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट यूजिंग ट्यूबवेल्स और इन द ट्यूबवेल लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इन टू द ग्राउंड एक बहुत मोटी सी पाइप को हम अर्थ के अंदर इंसर्ट करते हैं इंसर्ट मीन्स डाल देते हैं गहराई में एंड कहाँ तक डालते हैं उसको वेयर इट डिप्स बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल पानी अर्थ के अंदर जहाँ पर पानी का एक पानी का अंदर जो अर्थ के पानी है अंडरग्राउंड वाटर उस पानी के नीचे तक उस पानी का जहाँ लेवल है ग्राउंड वाटर लेवल है वहाँ तक उस पाइप को हम इंसर्ट कर देते हैं एंड वाटर इज देन ड्रॉन आप बाय यूजिंग हैंडपम्प और इलेक्ट्रिक पम्प और साथ में उसमें एक इलेक्ट्रिक पम्प डाल देते हैं जिससे वो सारा पानी हम बाहर निकाल लेते हैं ठीक है एंड देन वो पानी हम अपनी डेली नीड्स के लिए यूज़ uh, करते हैं देन क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज अ स्टेप वेल वेल विच हेज स्टेप्स ऑन ऑल एट साइज इज कॉल्ड स्टेपवेल आपने सोशल साइंस की बुक में भी अपना पढ़ा है कि स्टेपवेल्स जिसमें ऐसा कुआँ जहाँ जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं और उसकी उन सीढ़ियों से हम नीचे जाते हैं एंड वहाँ से अपना पानी भरकर लाते हैं तो दिस एनेबल्स पीपल टू गो डाउन टू फेच वाटर फेच वाटर मीन्स पानी को लेने के लिए वो नीचे जाते हैं उन सीढ़ियों से और पानी भरकर ऊपर आते हैं तो दिस इज दैट्स ऑल अबाउट द स्टेप वेल एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज वॉटर सप्लाईड इन सिटीज तो वाटर इज सप्लाइड इन सिटीज बाय अ वेल प्लान वाटर सप्लाई सिस्टम प्रॉपर एक वाटर को सप्लाई करने का सिस्टम होता है इन सब सिस्टम क्या करते हैं द रिवर वाटर इज यूजुअली प्योरीफाइड बाय द सीरीज ऑफ प्रोसेसिज एंड दैट मेक्स इट फिट फॉर ड्रिंकिंग Uh, जो रिवर का पानी हम लोग uh, आता है उसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसको प्योरीफाई किया जाता है एंड दिस प्योरीफाइड वाटर इज देन ये यहाँ पर uh, बेटा थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग में थोड़ा हो रहा है लेकिन सेम uh, एक ही लाइन में आपने इस को कंप्लीट करना है देन सेंड टू होम्स एंड ऑफिसज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पम्प एंड पाइप ये एक ही लाइन है उसको कॉन्टिन्यूसली आपने लिखना है कि जब पानी प्योरीफाई हो जाता है रिवर का फिर उसके बाद उसको पम्प्स और पाइप्स की हेल्प से सबके घरों में और ऑफिस में पहुंचा दिया जाता है सो देर स्टूडेंट्स यू विल कम्प्लीट दिस पार्ट डी एंड ई ऑफ लेसन नंबर सेवन इन योर साइंस फेयर नोटबुक्स